हाई दिस इज़ जन्नत जुबैर रहमानी एंड यू वॉचिंग मी ऑन टेली रिपोर्टर. तो बहुत सारे ब्रांड के साथ हम एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे लोगों के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, बीच में रुकावटें आ जाती हैं, बट आई लिटरली वॉन्टेड कि ये डील लिटरली फाइनल हो जाए. बहुत स्पेशल था नहीं, बहुत स्पेशल है, अभी तो पूरा दिन बाकी है. एंड रात को विथ थ्रोइंग अ पार्टी जहाँ पे सब मेरे दोस्त आएंगे, मेरी फैमिली आएगी, तो अभी तो पूरा दिन बाकी है, अभी तो बस शुरुआत हुई आप लोगों के साथ. और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं. हाँ, क्योंकि ब्रांड के तो बहुत सारे ब्रांड के साथ हम एसोसिएट होते हैं, बहुत सारे लोगों के ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लेकिन बीइंग अ ब्रांड एम्बेसडर, बीइंग अ फेस ऑफ दैट ब्रांड, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग. और जब पता लगा तो आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड आई लिटरली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि कई बार आपको ऑफर्स आते हैं बट यू नो थिंग्स डोंट वर्क आउट, या तो आपकी बात नहीं हो पाती है, या तो बीच में रुकावटें आ जाती हैं, बट आई लिटरली वॉन्टेड कि ये डील लिटरली फाइनल हो जाए एंड यू नो एवरी थिंग गोज ऑन स्मूथ. एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, कहीं पर भी कोई भी रुकावट नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई. अच्छा, हमने देखा था सोशल मीडिया पर आपका और अयान का कहीं ना कहीं वो एयरपोर्ट yes. आपने किया था, तो कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर, वो कितना स्पेशल था, आपने यूज़ भी किया है वो प्रोडक्ट? हाँ, मैंने यूज़ किया है द पावर बैंक आइट से, वो मेरे पास अभी भी बैग में रखा हुआ है, बिकॉज़ वो एक्चुअली में बहुत यूज़फुल है. कई बार तो केबल मिलते नहीं है, फिर अयान और मैं लड़ाई करते हैं कि ये वाला मैं लेके जाऊँगी. तो वो पावर बैंक सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. और बाकी हमने एक और वीडियो बनाया था विच वॉज द स्पीकर, द सेल्फी स्टिक, द टॉर्च एंड द पावर बैंक. तो कई बार होता है कि आपको, क्योंकि हम वीडियोज़ और फोटोज़ में तो मतलब दिन में तो लेने ही लेने 10-15, तो बहुत मज़ा आया क्योंकि हम एक्चुअली में गाने बजा करके उसमें वीडियो निकाल रहे थे, तो वो बड़ा इजीली बन गया. सो इट वाज लाइक आपको एडिट नहीं करना पड़ा अलग से, वरना गाना डालना पड़ता है, गाना बज रहा था और हम वीडियो बना रहे थे. अच्छा, हर एक चीज़ के प्रॉन्स होते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे उस चीज़ को लेकर कि कभी ऐसा प्रेशर फील करती है जब कभी एसोसिएट होती है, और कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं या कुछ ऐसा? आई थिंक प्रेशर तो हर चीज़ में मैं फील करती हूँ, इट्स नॉट व्हेन आई एम एसोसिएटेड विद अ ब्रांड और एनीथिंग. आई फील प्रेशर इवन इफ आई एम मेकिंग अ वीडियो और इवन इफ आई एम सेइंग अ लाइन, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई फील हैप्पी कि मुझे प्रेशर अभी भी लगता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी भी मुझे ऐसा फील हो कि यार एक लाइन तो मैं तो बोल लेती हूँ, मैं तो इतने साल से कर रही हूँ. सो आई फील हैप्पी बिकॉज दैट प्रेशर जो आप फील करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा काम करने के लिए, और वो प्रेशर मुझे आज भी फील होता है. सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड प्रेशर दैट आई फील. तो काफ़ी चीज़ों में होता है. आई हैड टू बी ब्लिंगी टुडे. इनफैक्ट आई सेड दैट मैंने कुछ और पहना था, एंड देन आई वाज लाइक नो, ये थोड़ा सा ना इट्स नॉट सूटिंग माय एज, यू नो इट्स लाइक अ लिटिल मैच्योर्ड, थोड़ा मैच्योर्ड ड्रेस था, फिर मैंने चेंज करके ये पहन लिया. देन आई वाज लाइक यार दिस इज सूटिंग मी. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, एंड आई होप दैट आई एम मेकिंग यू गाइज हैप्पी एंड आई एम मेकिंग यू गाइज प्राउड, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. एंड या, कीप सपोर्टिंग.